जिम वगैरह करनी होती है तो प्रोटीन्स एक आपकी बॉडी के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो अभी एक फैक्टर ये भी है, जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम भी है, 41-42 टेम्परेचर जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी डिहाइड्रेशन का भी इशू होता है। तो अभी मैं नाश्ता खाने लगा हूँ, तो जिस जिसने खा अच्छा नाश्ता करने के बाद फौरन ये थोड़ा DHA का विज़िट था, यहाँ से कज़न से पैसे रिसीव करने थे। तो अभी मैं DHA गुजरा वाला प्रोजेक्ट है जो कि मेन GT रोड के ऊपर वाक़ है, क्योंकि मैं जो मोस्टली पाकिस्तान के ऑल ओवर पाकिस्तान के DHAs का कंसल्टेंट हूँ, स्पेशली DHA गुजरा वाला का रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूँ। तो अभी मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, इसके बाद मैं कज़न से पैसे रिसीव करने थे, कज़न मेरा DHA में जॉब कर। ले जी व्यूवर्स, मैं DHA गुजरांवाला में आया था कज़न से पैसे रिसीव करने के लिए, तो इसका टायर पंचर हो गया बाइक का, तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है। तो अब कज़न को बुलाया मैंने कहा आ जाओ आप। तो ये सर भी हमारे साथ है जो करक से आए हैं इनकी ट्रांसफ़र्स वगैरह के सिलसिले में, तो अभी DHA गुजरांवाला की साइड पर ही खड़े हैं। ले जी वो मोटरसाइकिल खड़ी है DHA गुजरांवाला के मेन जंक्शन के ऊपर, तो ये गर्मी के बीच में बैठे हुए, ये सर आए हैं कड़क से, बहुत दूर से आए हैं, तो हम इधर यही नज़दीक है पंचर वाला कोई, हाँ देखते हैं चक्कर। ले जी वो सामा आ रहा है बहुत दूर से, बेचारा पैदल आ रहा है, तो नहीं एक फुल गर्मी तो डीलर भी है, फुल गर्मी लगी हुई है, नहीं ये DHA में काम कर रहा है, फुल गर्मी में आ रहा है बेचारा, वो देखें। ओए होए होए, मैंने इसके पास जाना था तो इसके पास वो एग्जैक्टिव ब्लॉक में पहुंच रहा था, तो मेरा टायर पंक्चर हो गया, फिर इसको इतनी दूर से आना पड़ा। ले जी ये पास पहुंच गया। उसामा भाई इतनी दूर से आ रहे हो यार आप, हैं पैदल आ रहे हो, वो देखो टायर पंक्चर हो गया हमारा, तो है टायर पंक्चर हो गया, वो बस ऐसे ही आपको पता है साथ साथ चलता रहा था। मैंने लड़के को बुलाया, अच्छा बुलाया, तो वो इंशाल्लाह ताला आ रहा है। अल्लाह ले व्यूवर्स, वो तो चले गए हैं सारे, तो जो करक से आए थे मेहमान DHA की ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो भी चले गए हैं, तो मैं इधर अकेला रह गया हूँ, तो अब मैं भी जा रहा हूँ, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जी बाय गॉड हम पंचर वाली दुकान में पहुंच गए हैं, तो ये सामने GT रोड के ऊपर ही पंचर वाली दुकान थी, बंदा मैं घूर घूर के देख रहा है, ये चौधरी वकास साहब है, चौधरी वकास साहब ने माशाल्लाह हेल्प के लिए आए हैं, तो इनकी हेल्प करने से पहले ही मैं पहुंच गया हूँ। हाँ जी फोन जाइए साडा यार ना गर्मी चपरे आ रहे, हाँ मैंने इसको कॉल किया, कहता यार ना जुनेद गर्मी बहुत ज़्यादा मैं नहीं आना। कितना टेम्परेचर होगा अवकाश? 42-43 के राउंड होगा। 43 होगा, तो 43 टेम्परेचर में देखें, मैं DHA में पास अभी कज़न के पास गया था कुछ पेमेंट रिसीव करने थे, तो साथ ही ये हैपनिंग होगी, तो बस यही है कि लाइफ में फड़ी थड़ी यही है कि लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको एक समझ लें कि रिमेंबरफुल होते हैं, आप उसको याद करते हैं, जो गर्मी में कुछ हैपनिंग हो रही होती है या बाइक पंचर हो जाता है या समटाइम आप चलते चलते रुक जाते हैं, तो ये है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते लाइफ के बहुत भी, लाइफ भी ऐसी है चलते चलते समटाइम रुक जाती है, कुछ मोमेंट्स कुछ चीज़ें हमें वैसे सारी चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं, इसको उन पर है ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, इस वजह से ये हैपनिंग क्रिएट होती रहती है, तो पंचर माशाल्लाह लग रहा है। मैं जनाब एक और हैपनिंग क्रिएट हो गई है, चौधरी वकास साहब जो के मेरे लिए आए थे दोपहर 2 बजे जब मेरा टायर पंचर DHA में हुआ था तो अब हम DHA से ट्रांसफ़र करवा के निकले हैं,
वो सामने DHS है, इसका भी टायर पंक्चर हो गया। तो गर्मियों में यही है कि टायर पंक्चर होता है। बहुत अफसोस हो रहा है जनाब है। ये देखें GT रोड के ऊपर खड़े हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या चीज हो रही है, कितनी चम्बाई से टायर पे। हाँ, ये तो पंक्चर हो गया। चलो चले जाइए साहब, चले चले चलाओ चलाओ चलाओ। और गुड हो गया माशाल्लाह, कमाल हो गया। ये मुझे कह रहा था कि यार आपका टायर क्यों पंक्चर हुआ है, तो आप देखे जी साहब यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप रोड पे निकल ले जी, विकास भाई पहुंच गए हैं अपना पंक्चर लगवाने के लिए। तो एक दिन में 2 टायर पंक्चर हुआ है इनके, तो विकास साहब पहुंच गया माशाल्लाह, अभी पंक्चर लगवाएंगे। जैसे व्यूअर्स, आज ना हमारा व्लॉग इसी टाइम पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा काम करने लगा हूँ मैं। तो आज की जो मेरी एक्टिविटीज आप लोग मैंने आपके साथ शेयर की, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन मेरी रही क्योंकि आपको पता है कि सारा टायर पंक्चर हो गया, 2 मेरा टायर पंक्चर हो गया। मेरे व्लॉग्स हो गए वो इंशाल्लाह ताला उसके लास्ट पे कोई ना कोई मैसेज आपको साथ डिलीवर किया करूँगा, कोई ना कोई अच्छी बात हम शेयर किया करेंगे जिससे जितने भी लोग हों उतनी अच्छी बातें आप शेयर करें, क्योंकि व्लॉग मेरा मेरे बनाने का पर्पज यही है कि अच्छी से अच्छी कोई ना कोई हमारी ऐसी कम्युनिकेशन हो जिससे आप थोड़ा लर्न करें। तो आज की जो अच्छी बात होगी वो इंशाल्लाह ताला आफ्टर नमाज ईशा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कहीं ना जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। वैसे असलाम का 9th का पेपर था, तो इसके स्पेशली इसके बाबा ने कहा कि इसका टेस्ट ले, इसका पेपर कैसा होगा। ये कहता है कि मेरे जो मार्क्स हैं, केमिस्ट्री का पेपर था 9th का फेडरल बोर्ड, ये कहता है कि मेरे 65 मार्क्स आएंगे, एक नंबर भी बाबा कम के होगा। तो अभी हमारे व्यूवर्स भी बता दें कि इसके नंबर कितने आते हैं, इसका स्पेशली टेस्ट हम लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैम पूछेगी, एक ये पूछेगा, एक मैम पूछेगा, उसका आपका रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, चले असलान कह रहा है कि बस टिक वालों से पूछना और आगे चलो। ठीक है अच्छा जी, असलान से पहला क्वेश्चन है हमारा कि असलान बताए कि list the possible uses of an electrolytic sample. Downside is the इसको आता है क्योंकि ये बोल रहा तो आता ही है इसको। आगे जी, देर आर द 3 isotopes ऑफ हाइड्रोजन। आप बॉइलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज बॉइलिंग। माशाल्लाह जितने हमने इससे क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किया है इसने, नो डाउट इन। ये जो कह रहा था अपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके कि 65 out of 65 मार्क्स इसके आएंगे, और मुझे भी लग रहा है कि आ जाएंगे। ये घर आके तो नहीं टिक करके आती है, आती ये भी है मुझे। हाँ ये ना, ये इतना आता मुझे, लेकिन इतना ये भी आता मुझे, लेकिन ये कच्चे हैं अभी।
इसका मतलब है कि अजलान के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर इसके कितने टोटल मार्क्स आए, अगर इसके 490 में से इसके अगर 490 आते हैं, इसको एप्पल की वॉच गिफ्ट की जाएगी, तो जो अजलान जहाँ पे गएगा वहाँ पे खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, सही है। ना ना जिधर से है किधर, अच्छा खाने की जगह जिम ले जाए, नहीं वो भी बात नहीं है कि एप्पल की वॉच आपके लिए गिफ्ट होगी। और दूसरा इसके लिए जहाँ से ये कहेगा चाहे किसी होटल बारी होटल या जिधर से मर्जी ये चलाएगा, अगर दामोवर से खाना खाना है, इस्लामाबाद से खाना है या मुनार पे जाना है इस्लामाबाद, तो वो सारा इंशाल्लाह अब सारे इकट्ठे जाए। आजकल के केआर नया बना है। डन 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 चलो बताऊंगा जिससे आप कुछ लर्न करेंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। आज की अच्छी बात मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब के बारे में बताऊंगा, जो मेरे लाइफ मेंटोर है, जो मेरे लाइफ कोच है। उनसे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प की बुक्स वगैरह रीड करता था, जैसे कि स्टीफन आर कोवे, टॉनी रॉबिंस, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प की बुक्स वगैरह ना इसको स्टडी करता रहता था। और क्योंकि इनकी बुक्स पढ़ने से ये होता कि तो बंदा अपने आप को थोड़ा सा अपना रिवाइवल मोड में लेके आता है या थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करता है। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की, उसके फौरन बाद मेरी लाइफ में एक थोड़े से जुमले गुजरते होते थे फेसबुक पे, वो जुमले हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब के थे। उनका ये क्या सीन होता था कि वो एक बड़ी बात को एक इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते थे, कि एक बड़ी सी बड़ी बात है, अगर कोई डिप्रेशन की बात है, अगर किसी को एंग्जाइटी है या लाइफ के मसाइल है, तो ऐसे ही उनकी बुक्स पढ़ने से ऐसे ही होता था कि जैसे वो मुझे उस क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हों। जैसे किसी को मसला आ जाता है किसी भी किस्म का, जैसे कि परेशानी के मुतालिक हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब ने, आपको परेशानी डिप्रेशन एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी बात लगती है कि कितनी बड़ी बीमारी है, लेकिन इतनी बड़ी बात को उन्होंने कैसे कवर अप कर दिया। वो कहते हैं, वो हज़रत वासिफ अली साहब फरमाते हैं, परेशानी हालात से नहीं ख्याल से पैदा होती है, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर परेशानी आ गई तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो एक आपका ख्याल बन जाता है, वो फिर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं आप। तो इस वजह से वो कहते हैं परेशानी हालात से नहीं, हालात जैसे भी हो वो गुजर जाते हैं, ये जो आपका ख्याल अटक जाता है ना उससे आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंग्जाइटी के मुतालिक फरमाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करें। वो फरमाते हैं कि अगर आप बहुत सारे ख्यालात में फंसे हों, बहुत सारे ख्याल, तो किसी एक ख्याल में गुम हो जाने से आपके सारे ख्याल खत्म हो जाते हैं। वो किसी एक ख्याल में कैसे गुम हो जाना है, वो जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं किसी एक ख्याल में गुम हो जाते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो किसी एक ख्याल में गुम हो जाते हैं, जब आप इतनी सारी मोहब्बतों में फंसे हो तो किसी एक को महबूब चुन लिया जाए तो आप सारे महबूबों से आज़ाद हो जाते हैं। तो बस दोजानों बैठ के उस ख्याल में गुम होकर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और जब नमाज पढ़ते हैं तो मोहब्बत से उस ख्याल में गुम होकर नमाज पढ़ा करें, ताकि जब आप ख्याल में गुम हो जाएंगे तो सारे ख्यालों से अल्लाह ताला आपको आज़ाद कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी बातें हैं। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की सबसे पहले बुक्स किरण किरण सूरज, वो आप मस्ट स्टडी करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस हैं, वो ज़रूर रीड करें। आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में भी मिल जाती है। जब भी घर आए, काफ़ी ज़्यादा थकावट फील हो रही हो, घर आके खाना वगैरह खा के जब लेटने लगे, तो एक आधा पेज आप मस्ट स्टडी कर लिया करें, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आपकी बुक्स को रीड करते जाएंगे, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे, और आपके जो इंटेलेक्चुअल मसल्स हैं, इंटेलेक्चुअली आपको थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा वीलॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो मस्ट मेरे, तो मैं यहाँ पे अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह आज मेरा सेकंड वीलॉग था, तो मैं कोशिश करूँगा तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं आगे इस अपना वीलॉग सीरीज को आगे लेके जाऊँ, आपके लिए लर्निंग प्रोसेस हो, लास्ट में मेरी वीडियो के कुछ ना कुछ आप लर्न करें, जो मैंने चीज़ें सीखी हो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने नेक्स्ट वीलॉग के साथ। अपने होस्ट जुनेद आशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।